आप लोगों को पता होगा, एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ फैली थी जिसमें बोला जा रहा था कि एलबीएस यादव सांपों के जहर का तस्करी करते हैं, सांपों के जहर को लेते हैं, मतलब रेव पार्टी में ऐसे ऐसे उन्होंने कांड किया, फिर दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एलबीएस यादव हैं कौन, तो चलिए सबसे पहले मैं एलबीएस यादव के बारे में आपको बता देता हूं, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्काई टाइमलाइन। एलबीएस यादव एक यूट्यूबर हैं और उनके यूट्यूब चैनल पे लगभग 14.5 मिलियन यानी 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और ये एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके पास इतने बड़े सब्सक्राइबर नहीं हैं जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर एलबीएस यादव के हैं। और आपको बता दें कि अभी 2-3 घंटा पहले उनका एक वीडियो अपलोड हुआ है एलबीएस यादव ब्लॉग पे, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं मुंबई में हूँ और मैं यहाँ पे एक शूट करने के लिए आया था। और सोशल मीडिया का ज़माना तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बदनाम किया जाता है और किस तरह से बदनाम किया गया है। वो बता रहे हैं कि बहुत समय पहले कहीं वो घूमने के लिए गए थे या फिर वीडियो शूट करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्हें एक सांप मिल गया था, वो गले में डाल करके फ़ोटो खिंचवा लिए थे, और उसी फ़ोटो को सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करके, और वो ये बता रहे हैं कि देखिए आप लोग एलबीएस यादव किस तरह से जानवरों का हत्या कर रहा है, किस तरह से जानवरों को मार रहा है, सांपों का जहर निकाल करके और वो नशे के रूप में उसे ले रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और पुलिस को जैसे भी जांच करना है, जिधर भी जांच करना है, जहां वो बुलाए मैं जा सकता हूं वो जांच करने, अगर मैं थोड़ा सा भी गलत पाया गया तो तुरंत मेरे ऊपर FIR किया जाए, मुझे जेल में डाला जाए, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, चाहे जो भी सज़ा उसका हो। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ़ वीडियो बना के डाल रहे हैं कि एलबीएस यादव ये, एलबीएस यादव वो, तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिसके वजह से किसी भी यूट्यूबर का, सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर का फ्यूचर ख़राब हो और लोगों की नज़र में वो बदनाम हो। क्योंकि हर व्यक्ति तो जानता नहीं है एलबीएस यादव है कौन, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा काम कर रहा है। लेकिन जब ये अफवाहें फैलेंगी, पेपर में आएगा, यूट्यूब पे आएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल साइट होंगे, जहाँ जहाँ भी ये न्यूज़ चलेगा, फिर तो लोग जानेंगे एलबीएस यादव ये है और ये बिग बॉस का विजेता है और उसके ऊपर ये केस लगा हुआ है, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है। वो अभी 2-3 घंटा पहले लाइव आ करके सभी लोगों को बताए हैं, और उनका एक वीडियो भी पोस्ट हुआ है उनके ब्लॉग पे, उनके ब्लॉग पे भी लगभग 7 मिलियन के करीब में सब्सक्राइबर हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी कई बार बोला गया कि आप इस पे वीडियो बना के डालिए एलबीएस यादव के खिलाफ कि एलबीएस यादव सांप का जहर बेचते हैं, सांप का जहर लेते हैं, नशे के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग रेव पार्टी कर रहे थे। मैंने बोला कि सबसे पहले इसकी सच्चाई क्या है, जिसके ऊपर ब्लेम लगा है उसके बारे में या फिर उससे हमको कुछ जानकारी मिले, तब हम वीडियो बना कर अपलोड करें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ एलबीएस यादव सही हैं या गलत हैं। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है और आप लोगों को बस इतना इन्फॉर्म करना है, और मेरा काम भी है आप लोगों तक सूचना पहुँचाना। तो एलबीएस यादव इस समय मुंबई में है और उनका एक ब्लॉग है एलबीएस यादव ब्लॉग करके, उसमें 7 मिलियन के करीब में सब्सक्राइबर हैं, और उन पर अभी 2-3 घंटा पहले वीडियो पोस्ट किए हैं। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं सच्चाई, तो उसमें जा करके आप उस वीडियो को देख करके और सच्चाई आप लोग जान सकते हैं। खैर, आप जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति पे गलत कमेंट करना, गलत पोस्ट करना, ये बिल्कुल गलत है, और आप लोग इस चीज़ को समझिए। क्योंकि किसी आपके एक गलत पोस्ट से किसी का फ्यूचर ख़राब हो सकता है, वो किसी के नज़रों में गिर सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए।